اورنج کیپ کے حقدار ہیں اور پرپل کیپ کے حقدار ہے روی کوسک جو سری بابوسا فائٹر کے کھلاڑی ہے. 5 وکٹ ابھی تک پراپت کر چکے ہیں روی. میچ چالو. واسودیو اگر ہو گیندباز تو اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا دے. دھنیواد. تو روی روی اور مگراج اگر یہاں پہ موجود ہیں تو کومنٹری باکس میں آ جائیں اور اپنی اورنج کیپ اور پرپل کیپ لے کے جائیں. پرپل کیپ اورنج کیپ کے اسپانسر ہے دیوی لال جی سارسو ملکی سر. واسو دیو چلے ابھیمنیو کے لیے گیند. پہلی گیند کو کٹ کیا ہے تھرڈ مین کی دشا میں. ایک رن پورا کر لیں گے. کھاتا اوپن کیا, اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ابھیمنیو نے. تو پارٹیسپینٹ کر رہی ہے جے کے آر سی کی ٹیم اس سمے منچ کے اوپر ان کو سمانت کر رہے ہیں سماج کے باماسا اسپانسر کو مومنٹو پردان کریں گے. ٹیم مالک کو مومنٹو پردان کریں گے. اور پورے کھلاڑیوں کو ایک میڈل دے کر سمانت کریں گے. اگلی گیند کو لیگ سائیڈ میں گھوم کر کھیلنے کا پریاس. وائٹ بال کا اشارہ امپائر کا تو ایک اترکت رن ملتا ہوا. اس بیچ اگلی گیند کو نکالا ہے لانگ آف کی دشا میں. گیند باؤنڈری لائن سے باہر. 4 رنوں کے لیے. جے کے آر سی کے اسپانسر ہے جے کرنی روڈ کیریئر مکیش شرما پریتم شرما اس ٹیم کے اسپانسر ہے. اس بیچ اگلی گیند کو کھیل دیا ہے کور کے اوپر سے. گیند باؤنڈری لائن سے باہر. 4 رنوں کے لیے. لگاتار بیک ٹو بیک باؤنڈری آتی ہے واسودیو کے کھاتے میں.
पूरे सम्मान के साथ विदा किया है जेकेआरसी की युवा टीम को। आयोजन समिति ने इस बार ये नया प्रयोग किया गया है, एक नई चीज रखी गई है। जो भी टीम अगर इस आयोजन से बाहर होती है उनको पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, अपील की जा रही है, नकारा एम्पायर ने। अच्छी वापसी करते हुए आज के सरस प्रसादी स्पॉन्सर है। आज के सरस प्रसाद स्पॉन्सर है जय मां करणी प्लाईवुड, वांगीलाल जी सारसवा, सारसवा परिवार ठुकरिया सर हाल निवासी बीकानेर गंगा शहर, राजेश जी सारस्वत, अशोक जी सारस्वत, ओम जी सारस्वत और जयदेव जी सारस्वत। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय क्रीज पे डटे हुए। और एक मेरा विशेष निवेदन रहेगा आप सभी से, सरस प्रसादी की व्यवस्था आयोजन समिति की ओर से की गई है। इस बीच अगली गेंद को खेला है लेग साइड में, एक रन पूरा कर लिया। सरस प्रसादी का सरस प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है सभी के लिए, तो सरस प्रसादी जरूर ग्रहण करें। और विशेष आग्रह आपसे यही रहेगा कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, अन्न को बिल्कुल भी कोई भी झूठा न छोड़े। यह आपसे करबद्ध निवेदन है, आप सभी समझदार है, मेरे हिसाब से आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सरस प्रसादी ग्रहण करने बाद थाली को जो वहां पे थाली टप रखे गए हैं उनके अंदर ही रख के आए, उनके अंदर डाल के आए, जहां भोजन किया वहीं थाली छोड़ के नहीं आए। आप सभी से करवत निवेदन है। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। एक बार फिर से अगली गेंद, और इस बार गेंद हवा में, उस ओर कोई फील्डर नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है चार रनों के लिए। रामानंद टीम के कप्तान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, सॉरी टीम के कप्तान वासुदेव हैं, उप कप्तान है रामानंद। ये भी एक युवा टीम है जो इस आयोजन में भाग ले रही है। और एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है चार रनों के लिए, लगातार बैक टू बैक बाउंड्री प्रदीप के बैट से। जयमा करनी प्लाईवुड सेंटर, पांगीलाल जी सारसवा, सारसवा परिवार ठुकरिया सर, जयदेव जी सारसवा आज के सरस प्रसादी स्पॉन्सर, आपका खूब खूब आभार अभिनंदन इस आयोजन में अपना मूल्य योगदान देने के लिए। रामानंद कभी अभी तक थोड़े महंगे साबित हुए हैं अपनी गेंदबाजी में। एक बार फिर से निकाल दिया है फाइनल लेग बाउंड्री से बाहर चार रनों के लिए प्रदीप ने। पहला मैच हारने के बाद हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि थोड़े दबाव में होंगे वटुक भैरव, लेकिन वो दबाव अभी तक दोनों सलामी बल्लेबाजों ने महसूस नहीं होने दिया है, अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक। एक बार गेंद हवा में और कैच ड्रॉप, फील्डर थे वहां पे हरिओम, एक मौका था, मौके को भुना नहीं पाए और कैच ड्रॉप हुआ। और गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है
देखना है किसको गेंदबाजी पर लेकर आते हैं टीम के कप्तान। विकेट कीपिंग का जिम्मा अब संभाले हैं वासुदेव, नए विकेट कीपर के तौर पर आए हैं वासुदेव और गेंदबाजी के लिए हैं वासुदेव महेश, सॉरी सामना करेंगे प्रदीप। और एक बार फिर से गेंद हवा में, फिर से फील्डर गेंद के नीचे है लेकिन के साइदिल पकड़ पाए। बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया था कि कैच नहीं लपक पाएंगे गोविंद। जो भी मेहमान दर्शक यहां पे आए हैं उनसे मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आपके लिए सरस प्रसादी की व्यवस्था आयोजन समिति की ओर से रखी गई है, तो सरस प्रसादी जरूर ग्रहण करें। एक बार फिर से अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद और आउट, क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पे प्रदीप। लेफ्ट साइड में ग्लांस करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर जा स्टंपों में जा लगी और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे पटुक फेरो 11 को। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं हार्ड हिटर विकास, जिन्होंने पिछले साल रॉयल प्रेमी की ओर से खेलते हुए अपना दम कम दिखाया था, एक मैच में शानदार हिट लगाए थे और उसी का फायदा यहां पे उनको मिल रहा है। बल्लेबाजी क्रम में उनको प्रमोट किया गया है, वन डाउन की पोजीशन पे हैं। हालांकि रॉयल प्रेमी की ओर से खेलते हुए उनको छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता था। बड़ी टीम से खेलने का आपको एक यही फायदा होता है कि आपको बल्लेबाजी क्रम में ऊपर का स्थान मिल जाता है। पहली सफलता यहां पे मिलती हुई कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। इस विकेट स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया, जो इस समय हमारे बीच मौजूद है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत आयोजन समिति की ओर से। इसमें अगली गेंद और एक और कैच हवा में और दूसरी सफलता यहां पे मिलती हुई विकास आयराम और गयराम। पहली ही गेंद पे कड़ा प्रहार करने का प्रयास, दूसरी सफलता किरण शक्ति फैशन को मिलती हुई। एक अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पटुक भेरुग 11 की पारी। प्रभु थे वहां पे फील्डर, अच्छा कैच पकड़ा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। मुस्तैद बिल्कुल पूरी तरह से दबाव में थोड़ा सा ला दिया है। राजकुमार अगर नहीं बल्लेबाज हो तो अपना हाथ वहां में लहरा दे, धन्यवाद राजकुमार। हैट्रिक चांस महेश के पास, स्ट्राइक पे है अभिमन्यु और यहां पे दिशा से भटके। अभी भी हैट्रिक पे रहेंगे महेश, अभी भी हैट्रिक चांस उनके लिए बरकरार है। वाइड बॉल कैसा रहा एम्पायर का, अब थोड़े उत्साह में नजर आ रही है किरण शक्ति फैशन की टीम। लगातार दो सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, घेरे से बाहर दो फील्डर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर बिल्कुल जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पे चांस है हैट्रिक का और पूरी कर ली है यहाँ पे हैट्रिक महेश ने, इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक। लगातार तीन बल्लेबाजों को चलता किया है यहाँ पे महेश ने, आते ही मैच का रुख पलट दिया है। और इस आयोजन में 50 स्पॉन्सर है, सॉरी हैट्रिक स्पॉन्सर है राम कुमार जी सारसवा, दामोदर जी सारसवा, प्रेम जी सारसवा, क्षेत्रपाल ग्रुप पिंजा सर। तो दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की महेश के नाम। दामोदर जी सारसवा सीए सूरत में सीए का काम करते हैं, दामोदर जी सारसवा बिंदा सर क्षेत्रपाल ग्रुप से, क्षेत्रपाल ग्रुप से जो विकेट हैट्रिक स्पॉन्सर है इस आयोजन में। लगातार तीन बड़ी सफलताएं यहां पे प्राप्त करते हैं और अब राजकुमार सामना करेंगे हैट्रिक मैन महेश का। कहर बरपा रही है महेश की गेंदबाजी इस समय,
बिल्कुल चक्का चौंध कर दिया है, तहस नहस कर दिया है बटुक भैरव की बैटिंग लाइनअप को, टॉप ऑर्डर को बिल्कुल तहस नहस करके छोड़ दिया है महेश ने एक ओवर में, कमर तोड़ दी है बटुक भैरव की बल्लेबाजी लाइनअप की। अब देखना है क्या राधे और राजकुमार इस बजदार में फंसी हुई डगमगाती हुई नैया को संभाल पाते हैं, या वो खुद उनके खुद पांव यहां पे डगमगा जाते हैं खुद के, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से महेश, इस बीच व्हाइट बॉल का इशारा और ये खतरे की घंटी हो सकती है बटुक भैरव के लिए, क्योंकि ये इनकी रणनीति है वाइड के बाद इन्होंने विकेट लिया अभी तक ये देखने को मिला है। इससे पहले जब हैट्रिक पे थे तो वाइड बॉल फेंकी थी और उसके बाद अगली गेंद पे उन्होंने विकेट चटका कर हैट्रिक पूरी की थी और एक फिर से वाइड बॉल डाली है यहाँ पे। क्या खतरे की घंटी हो सकती है राजकुमार और बटुक भैरव के लिए ये गेंद, और इस बार फिर से वाइड बॉल का इशारा, इस बार खुद के लिए ये खतरे की घंटी साबित हुई है मैच के लिए। तो रनों में इजाफा होता हुआ बटुक भैरव के स्कोरबोर्ड में, इस बार अच्छी गेंद विकेटों के ऊपर से जाती हुई ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर समाप्त हुआ, किफायती ओवर समाप्त हुआ महेश का। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रामानंद ध्यान दे, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे, तीन ओवर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मैं आयोजन समिति से निवेदन करूंगा, लाइव ऐप में काफी शिकायतें आ रही है, वो क्यों आ रही है आप इस बात पे थोड़ा गौर करें। हालांकि लाइव चल रहा है फिर भी सामाजिक बंधुओं की शिकायत आ रही है कि लाइव नहीं चल रहा है, तो अगर आपने लिंक शेयर नहीं किया है लाइव ऐप का तो एक बार पुनः सभी को लाइव लिंक भेज दीजिए। मेरे मोबाइल में लाइव चल रहा है अभी भी, फिर भी काफी लोगों की ग्राउंड के अंदर जो बैठे उनकी शिकायत आ रही है कि आपने लाइव ऐप वालों को पेमेंट नहीं किया है कि आपकी लाइव क्यों नहीं चल रही है। अगर किसी को ऐसा शक है तो मेरे मोबाइल में आके देख सकते हैं लाइव ऐप चल रहा है। अगर किसी ने लिंक शेयर नहीं किया तो पुनः एक बार शेयर कर दे, काफी शिकायतें आ रही है सुबह से लगातार। एम्पायर से मेरा निवेदन है कि मैच रुकवाए नहीं, और किरण शक्ति फैशन के कप्तान से मेरा निवेदन है कि कप्तानी का जिम्मा एक ही खिलाड़ी संभाल के रखें, 11 खिलाड़ी कप्तान नहीं बने और मैच में व्यवधान नहीं रखें, क्योंकि समय बहुत कम है, मैच आज के दिन 7 करवाने हैं। अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो आपके रनों में या ओवरों में कटौती की जा सकती है, 40 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको 10 ओवर फेंकने के लिए, एम्पायर भी इस बात का विशेष ध्यान रखे 40 मिनट के अंदर आपको ओवर करवाने हैं। एक बार पुनः मैं कार्यकर्ताओं से और सामाजिक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आज जो लाइव प्रसारण का लिंक आया है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूर दराज में बैठे हुए हमारे सामाजिक बंधु लाइव प्रसारण का फायदा उठा सके। अगर आपने एक बार या दो बार शेयर कर दिया तो दो बार और कर दीजिए, शेयर करने में आपका कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। 4 बार भेजिए आप सामाजिक बंधुओं को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर दर्शक और हमारे सामाजिक बंधु जुड़ेंगे उतने अच्छा हमारे लिए रहेगा। लेख भाई कैसा रहा एम्पायर का,
एक बार फिर से अगली गेंद और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, हर दिन नया लिंक आपको मिलेगा लाइव प्रसारण के लिए और लाइव चैनल जो है वो एसएमडी स्पोर्ट्स चैनल यूट्यूब पे बना हुआ है, आप सीधा सर्च करके उस चैनल पे जाके सारस्वत प्रीमियर लीग लाइव प्रसारण का लाभ ले सकते हैं। उसमें आपको रोज लिंक पे नहीं जाना होगा, सब्सक्राइब उस चैनल को आप कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब आपने उस चैनल को कर दिया है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा रोज नया, और उस पे आप लाइव प्रसारण इस टूर्नामेंट का देख सकते हैं। एसएमडी स्पोर्ट्स चैनल है यूट्यूब पे, उस पे आप इस आयोजन का पूरा लाइव प्रसारण देख सकते हैं समापन समारोह तक। एक बार फिर से, अगर एलपीडब्ल्यू का यहाँ पे नियम होता तो निश्चित रूप से राधे को पवेलियन की राह देखनी पड़ सकती थी, बिल्कुल विकेट के बीच में इस समय थे। पेड़ पे टकराने के बाद गेंद कवर की दिशा में गई और एक रन पूरा कर लिया। और चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। चार ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, पटुक भैरव 11 का स्कोर। दो नाबाद बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, राधे और राजकुमार। राधे जो गुसाइंसर से विलोम करते हैं, इनके बड़े भाई काड़ू कोरेक्स इस आयोजन में हर साल भाग लेते हैं और उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है अभी तक हर आयोजन में, और उनके छोटे भाई राधे इस समय क्रीज पर मौजूद और उनका साथ देने के लिए एक नए खिलाड़ी इस बार आए हैं, राजकुमार जो गंगानगर से विलोम करते हैं। इससे पहले पहला ओवर अजय जो फेंके गए थे, अच्छी गेंदबाजी उनकी रही। और इस बार गेंद हवा में, फिल्डर गेंद के नीचे है, कैच लपक लिया यहां पे, चौथा विकेट गिरता हुआ। राधे आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, फील्डर वहां पे रामा महेश वहां पे फील्डर थे, महेश वहां पे फील्डर थे, उन्होंने कैच लपका। इससे पहले हरिओम ने और क्या था क्या अजय, हरिओम थे और अब आए हैं अजय। राहुल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक बार फिर से अगली गेंद को खेला है लेग साइड में हल्के हाथों से और एक रन पूरा किया और एक ही रन मिलेगा। विनोद जी सारसवा छापर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में एक बार आकर संपर्क करें। मैदान में जो भी मेहमान अगर यहां पे आते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो उनका सम्मान करें। इस बार गेंद हवा में, हरिओम गेंद के नीचे है, दूसरा कैच यहां पे हरिओम ने ड्रॉप किया है, तो हरिओम की लचीली फील्डिंग महंगी साबित हो सकती है किरण शक्ति फैशन को। लगातार दूसरा कैच इन्होंने ड्रॉप किया है, राहुल का कैच छोड़ना काफी महंगा साबित हो सकता है किरण शक्ति फैशन को। महेश एक युवा गेंदबाज एमासर से विलोम करते, अच्छी गेंदबाजी अभी तक इनकी रही है, एक बार पहले जूनियर टीम से भी ये खेल चुके हैं और अब इस बार सीनियर टीमों में खेलने का मन बनाया इन्होंने। विनोद जी सारसवा छापर, रेवंत राम जी तावणिया काड़ू, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। इस बीच अच्छी गेंद, जोरदार अपील और आउट, तो लगातार विकेटों का पतन जारी है जिसकी शुरुआत महेश ने की थी, उस काम को अब अंजाम दे रहे हैं अजय। विकेट चटकाए जा रहे हैं, लगातार गेंदबाज दबाव में ला दिया है बिल्कुल, अच्छी शुरुआत मिली थी।
बल्लेबाज अगर प्रशांत हो तो अपना हाथों हम लहरा दे। धन्यवाद प्रशांत। हमारे बीच एक मेहमान पधारे हैं, खेतीलाल जी सारसवा राजेरा। खेतीलाल जी सारसवा राजेरा हमारे बीच पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो कमेंट्री बॉक्स के पास बने हुए मंच पे आए, आपका स्वागत करेंगे। विकेट स्पॉन्सर दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया हमारे बीच उपस्थित हैं, वो खेतीलाल जी का स्वागत करेंगे दुपट्टा पहनाकर। तो दुर्गादत्त जी से मेरा निवेदन है कि आप आए मंच के पास और खेतीलाल जी का स्वागत करें। वाइड बॉल कैसा रहा एम्पायर का? खेतीलाल जी सारसवा राजेरा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो मंच पे आए। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें थोड़ा ध्यान दें, गप सप में समय व्यतीत न करें, थोड़ा आयोजन में भी ध्यान रखें। एक बार फिर से अगली गेंद, फिर से गेंद हवा में, फिर से गोविंद के और हरिओम के बीच में जा रही है। सबसे कमजोर एरिया जो फील्डिंग का माना जाता है किरण शक्ति पेशन का, वो दो इन दो फील्डरों के बीच में है। हरिओम आए हैं गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से, इससे पहले उन्होंने एक किया था। हरिओम जो बड़ावाज से विलोम करते हैं, अच्छे गेंदबाज, अच्छे एक हरपनमौला खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है। निश्चित रूप से अगर किरण शक्ति में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो इनको प्रमोट अगले साल सारस्वती इलेवन में हो सकता है, क्योंकि सारस्वती इलेवन के स्पॉन्सर जो रामकिशन जी तावड़िया है उनके भाई हैं हरिओम, तो प्रमोट हो सकता है यहां से उनका, लेकिन अपनी प्रतिभा यहां पे साबित करनी होगी पहले अगर बड़ी टीम में जगह बनानी है तो। इसमें अच्छी गेंद, जैसे ही मैंने सारस्वती इलेवन का नाम लिया उनके कान खड़े हो गए, चौकन्ने हो गए बिल्कुल, और वैसी गेंद की बल्लेबाज को छकाया यहां पे। ये होता है जोश, ये होती है प्रतिभा। इसमें अगली गेंद और गेंद हवा में, समय हरिओम गेंद के पीछे, आज हरिओम का पीछा नहीं छोड़ रही है गेंद, उनको कवर से हटा के शॉर्ट मिड विकेट पे लाया गया लेकिन गेंद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब सामना करेंगे प्रशांत हरिओम का, अच्छी गेंद। तो रामकिशन जी बराबर नजरें जमाए हुए हैं हरिओम की गेंदबाजी पे, और निश्चित रूप से मेरे को लग रहा है लगा पिछली तीन गेंदों को देख के कुछ चांस उनके बढ़ गए हैं सारस्वती इलेवन में दाखिल होने के। अब काड़ू कोरेक्स और वासुदेव का मेरे हिसाब से निश्चित रूप से पता कर सकता है सारस्वती इलेवन से। इसमें अगली गेंद पॉइंट की दिशा में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए वटुक भेरे इलेवन के 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 5 विकेट के नुकसान पे। पारी की अंतिम निर्धारित 24 गेंदे और शेष 4 ओवर और शेष, राम अब आए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए, जो पहले ओवर में काफी महंगे साबित रहे थे, जमकर धुनाई की थी अभिमन्यु और प्रदीप ने। अब देखना है दूसरे स्पेल में कैसी गेंदबाजी कर पाते हैं। राम 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 आए हैं गेंदबाजी के लिए, फील्डर वहां पे गोविंद, लेकिन आके अजय ने गेंद को फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। फिर से पॉइंट की दिशा में, फिर से कच्चा खाया यहाँ पे फील्डर गोविंद ने, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रनों के
लिए और निश्चित रूप से यहाँ पे चार रन मिलेंगे। काफी देर बाद पशुपति इलिमिनेट चौका आता हुआ बटुक भैरव के खाते में। तो एक और बाउंड्री आती हुई यहाँ पे बटुक भैरव के खाते में। समय का विशेष तौर पे ध्यान रखें एम्पायर, 40 मिनट का समय एक पारी में दिया जाता है हर टीम को, तो आप थोड़ा चेतावनी देते रहे। अगर 40 मिनट से ज्यादा अगर समय लेते हैं तो ओवरों में रनों में कटौती की जा सकती है हर टीम की। और गेंद हवा में, वासुदेव नीचे है और एक और सफलता यहां पे मिलती हुई। राजकुमार आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए यहां पे राम, लेकिन सफलता हासिल कर ली है। और कप्तान इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, नहीं तो आपके ओवरों में जब आपकी पारी आएगी खेलने के लिए तो आपके ओवरों में कटौती की जाएगी। नए गेंद बल्लेबाज आए हैं संपत टावनिया तेजरा सर, काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं और इनके अनुभव का जरूर फायदा मिलेगा पटुक भैरव इलेवन को। संपत के लिए पहले गेंद जोरदार अपील, लेकिन नकारा एम्पायर ने, शायद वो कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं दोनों एम्पायर, अभी तक डिसीजन आना बाकी। वाइड बॉल कैसा है एम्पायर का, शायद एम्पायर को चकमा देने के लिए ही इतनी जोरदार अपील की गई थी, उनको पता था लेग स्टंप से बाहर गेंद है, इसलिए जोरदार अपील चतुर विकेट कीपर वासुदेव। एक बार फिर से गेंद हवा में, थर्ड मैन की दिशा में गई है, अच्छी फील्डिंग इस बार, निश्चित रूप से तीन रन बचाए यहां पे फील्डर ने, राम प्रसाद वहां पे फील्डर है। तो युवाओं से सुशोभित यह टीम, सभी खिलाड़ी युवा खिलाड़ी है इस टीम में, अच्छा तालमेल दिखाया है पूरी टीम ने, पूरी टीम एकजुट होकर खेली है। दोनों ही मुकाबले से पहले जगदम्बा फाइटर के सामने किरण शक्ति का मैच था। एक बार फिर से गेंद हवा में, डीप कवर की दिशा में गई है, फील्डर वहां पे मौजूद है, इस बार एक ही रन मिलेगा, अच्छा थ्रो, सुंदर फील्डिंग। तो पिछले मैच में जगदम्बा फाइटर के सामने अच्छी फाइट की थी किरण शक्ति इलेवन टीम ने, और इस मैच में भी अभी तक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, अच्छी गेंदबाजी के साथ, अच्छी फील्डिंग के साथ, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है बटुक भैरव को। इस बार आगे निकल कर खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है और अच्छी फील्डिंग वहां पे, रामानंद है शायद फील्डर, गजेंद्र है फील्डर वहां पे, अच्छी फील्डिंग, एक रन दो रन पूरे करिए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 60 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद। नए गेंदबाज एक बार फिर से आ रहे हैं महेश, जिन्होंने हैट्रिक बनाई है इस मैच में, काफी किफायती ओवर किया था, उनका सामना करेंगे प्रशांत। अगर फील्डरों का भरपूर सहयोग अगर गेंदबाजों को मिला होता तो निश्चित रूप से बटुक भैरव अब तक पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी होती, लेकिन फील्डिंग थोड़ी लचीली साबित हुई किरण शक्ति फैशन की, थोड़ी युवा टीम है, जोशीली टीम है, थोड़ी फील्डिंग में अड़बड़ाहट दिखा रही है। एक बार फिर से अगली गेंद, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, और एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा जो ग्राउंड व्यवस्था जिन कार्यकर्ताओं को दी हुई है वो थोड़ा एक्टिव रहे, ग्राउंड के बाहर दोनों कोनों के अंदर कुछ बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, बार बार गेंद ग्राउंड के अंदर आ रही है, उस व्यवस्था को थोड़ा संभाले, क्योंकि बीच मैच में अगर कोई बॉल ग्राउंड के अंदर आती है तो खिलाड़ी निश्चित रूप से डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे। इस बीच गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है, एक और विकेट का पतन हो सकता है, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ यहां पे, एक आसान मौका था शायद, गोविंद वहां पे है फील्डर,
एक बार फिर से गेंद हवा में, उस ओर फील्डर है गजेंद्र, अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, एक ही रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद संपत के लिए आगे निकलकर खेलने का प्रयास, लेकिन चतुर गेंदबाज महेश जैसे ही देखा मन बना लिया संपत ने आगे निकलकर खेलने का, उन्होंने गेंद की गति को थोड़ा कम किया और गेंद की लाइन को थोड़ा खींचा, गुड लेंथ पे गेंद टप्पा खाई और सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। और इस बार फिर से दिशा से भटके, निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त रन मिलेंगे, अतिरिक्त कुछ नहीं पूरे 5 मिलेंगे यहां पे, तो एक तोहफे के रूप में 5 रन। संपत तावणिया जो थोड़ी चहलकदमी करके ही खेलने की उनकी आदत है, रोबिन उत्तपा की स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ी चहलकदमी करके आगे आते हैं और यहां पे गेंदबाज इसी चक्कर में यहां पे थोड़ा गच्चा खा गए, दिशा से भट गए। इसमें चकली गेंद, ये बिल्कुल बैट के नीचे थी लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके संपत, थोड़े भारी हो गए हैं, पेट से पहले पेट आगे आ जाता है, इसी चक्कर में ये बड़ा शॉट नहीं खेल सके संपत तावणिया। हालांकि जाने जाते हैं हार्ड हिटिंग के लिए, लंबे शॉट लगाने की काबिलियत है इनके पास। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 70 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और अब नए गेंदबाज एक बार फिर से आए हैं वासु, जिन्होंने पारी की शुरुआत की थी गेंदबाजी के साथ, पारी का ये सेकेंड लास्ट ओवर वासुदेव कर रहे हैं। अच्छी गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, तो दूसरे स्पेल की शुरुआत अच्छे टप्पे के साथ की है। एक बार फिर से आगे निकलकर खेलने का प्रयास, फिर से विकेट कीपर के हाथों में, वाइड बॉल कैसा रहा इस बार एम्पायर का। और इस बार स्क्वायर कट किया है और यहां पे फील्डर थोड़े कच्चा खा गए, थोड़े आगे निकल आए फील्डिंग में और गेंद उनको चकाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, पशुपति इलिमिनेट चौका संपत के बैट से। इस बार उनका ट्रेडमार्क शॉट देखने को मिला, सिग्नेचर शॉट संपत के बैट से, इस शॉट के लिए वो जाने जाते हैं। फिर से वही शॉट खेला है, उसी दिशा में खेला है, वही फील्डर है वहां पे, लेकिन गेंद नहीं रोक पाएंगे, नतीजा वही 4 रन पशुपति इलिमिनेट चौका। तो अब अपने असली रंग में आए हैं संपत, अपने ट्रेडमार्क शॉट अब उन्होंने खेलने शुरू कर दिए हैं। स्क्वायर कट के लिए एक जमाने में जाने जाते थे ये अच्छे स्क्वायर कट, ऑफ साइड अगर दीवार भी बना दी जाए फील्डरों की तो भी उनको ये उस अवैध किले को भेद सकते हैं, ऐसी काबिलियत है इनमें। इस बीच गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे, कैच भी नहीं और दूसरा रन भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि रनिंग के मामले में काफी आलसी है संपत तावणिया, इसीलिए ये चौको या छक्को में ही ज्यादा बात करते हैं, सिंगल पे कम विश्वास रखते हैं। इस बार प्रशांत के बैट से अपर कट निकला है, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, तो काफी महंगा और साबित रहा है ये वासुदेव का, लगातार 3 बाउंड्रीज ओवर में आई है प्रशांत और संपत के बैट से। वासुदेव अगली गेंद लेकर प्रशांत के लिए, एक बार फिर से मिस फील्डिंग, तो ये कमजोरी रही है मिस फील्डिंग की, गेंदबाजी कोई पूरी नहीं है, अच्छी गेंदबाजी रही है लेकिन फील्डिंग बहुत ही लचीली साबित हुई है, जिन शॉट पे 1 रन या 2 रन होने चाहिए थे उन पे तोहफे के रूप में 4-4 रन दिए हैं यहाँ पे फील्डरों ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन 6 विकेट के नुकसान पे, इस ओवर में 16 रन आए हैं, काफी महंगा और साबित हुआ है। और अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं हरिओम बड़ावास, 2 हरिओम इस टीम से खेल रहे हैं, एक हरिओम बड़ावास से विलोम करते हैं, दूसरे हरिओम टुकरिया सर से विलोम करते हैं।
आज हरिओम और गेंद के बीच में भी काफी टक्कर देखने को मिली। गेंद उनका पीछा कर रही है। इस बीच अच्छी गेंद हरिओम की। एक बार फिर से डॉट गेंद अपील की जा रही है और आउट दिया है, शायद करार दिया है अंपायर ने। एक और कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। विकेट स्पॉन्सर इस बार हसमुख मिजाज के धनी खुश मिजाज दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। हर विकेट पे उनकी मुस्कान बढ़ती ही जा रही है। काफी अच्छा आनंद अनुभव कर रहे हैं हर विकेट के साथ दुर्गाराम जी ठाकरानी ठाकरानी खारिया ठाकरानी परिवार खारिया। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं दिनेश नए बल्लेबाज हैं। अगर दिनेश हो तो अपन हाथों हम लहरा दे। धन्यवाद दिनेश। दिनेश जिन्होंने एसपीएल में 711 की ओर से शुरुआत की थी। इस बीच गेंद हवा में, फील्डर है वहां पे लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे वासुदेव। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। जैसे ही देखा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद है, पूरा फायदा उठाया यहाँ पे प्रशांत ने। एक कदम बाहर निकाला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को लुप्त कर दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। प्रशांत एक बार फिर से, इस बार फिर से घूमकर खेलने का प्रयास, हुक करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद बल्ले से कोसों दूर सीधी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल। और इस बार क्लीन बोल्ड। एक बार फिर से प्रशांत अपने सपनों की उड़ान, हवाई यात्रा पे जाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और क्लीन बोल्ड हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। श्याम जी शायद जाना चाहते थे बल्लेबाजी के लिए लेकिन निराश होंगे, ओवर पूरे हो चुके हैं। ट्रेंड में रन बनाए हैं बटुक भैरव 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 94 रन का टारगेट रखा है किरण शक्ति फैशन के सामने। और संपत्ति से मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए कमेंट्री बॉक्स में संपत्ति तावनिया तेजरा सर। संपत्ति 1 मिनट के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए।
तो बोनस पॉइंट के लिए दोनों टीमें ध्यान दें। अगर किरण शक्ति फैशन को इस मैच में बोनस पॉइंट प्राप्त करना है तो ये मैच 9 ओवर में जीतना होगा। 9 ओवर में अगर ये मैच किरण शक्ति फैशन जीतती है, 94 रन बनाती है, तो बोनस पॉइंट के साथ वो इस मुकाबले में बनी रह सकती है, इस आयोजन में बनी रह सकती है। और अगर बटुक भैरव 11 को बोनस पॉइंट प्राप्त करना है तो 81 या 81 रनों से पहले इनको रोकना होगा। तो सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं, नॉन स्ट्राइक पर समय दिख रहे हैं, प्रभु और स्ट्राइक पर हैं। महेश और प्रभु स्ट्राइक लेंगे, महेश नॉन स्ट्राइक पर है, प्रभु। चौनवे रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है किरण शक्ति। पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं राजकुमार बटुक भैरू की ओर से। अगर समय को देखा जाए तो डिले चल रहे हैं, काफी पीछे चल रहे हैं, 1 घंटा लेट ये मैच चल रहे हैं, तो इस पे बात का विशेष ध्यान रखें एम्पायर भी और सभी खिलाड़ी भी। एक बजे ये मैच पूरा होना था लेकिन अभी पारी दूसरी शुरू हुई है और 1:20 हो चुके हैं, तो थोड़ा काफी लेट चल रहे हैं। इसके बाद 3 मैच और खेले जाने हैं। अगले मैच के लिए योगी 11 और भैरव क्लब मोकलसर तैयार रहे। भैरव क्लब मोकलसर के कप्तान और योगी 11 के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के आगे आ जाएं। और आज के टॉस के बॉस, और इस बीच गेंद हवा में खड़ी हो गई है, विकेट कीपर गेंद के नीचे हरा दे और कैच लपक लिया, पहले विकेट का पतन हुआ और इस तरह से बैट फेंक के न जाए, वो बल्ला उठा के लाए पहले बल्लेबाज वो बल्ला उठा के लाए, इस तरह फेंक के न निकले, दोबारा अनुशासन बनाए रखे। ये एक तरह से खेल का अपमान है, आयोजन का अपमान है, इस तरह से अगर आप कोई बल्ला फेंक के निकलते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और अब राम आए हैं बल्लेबाजी के लिए, महेश के आउट होने के बाद।
एक बार फिर से गेंद हवा में है, राधे फिर से आ रहे गेंद के नीचे और इस बीच श्याम जी आए और तो दूसरा विकेट यहां पे प्राप्त कर लिया है। तो दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पे प्रभु आउट होकर लौट चुके हैं। एक और कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ यहां पे किरण शक्ति पेशन का। तो बोनस पॉइंट की ओर अग्रसर हो रही है निश्चित रूप से बटुक भैरव, दो सफलताएं जल्दी जल्दी प्राप्त कर ली है राजकुमार ने पहले ही ओवर में। हरिओम अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अच्छा सम्मान दिया रामानंद ने, धकेला लॉन्ग ऑन की मिड ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पे संपत आवनिया मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मेडन ओवर समाप्त हुआ, इस टूर्नामेंट में मेडन ओवर के स्पॉन्सर है। मेडन ओवर स्पॉन्सर है तावनिया परिवार भादासर, मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, रतिराम जी तावनिया भादासर। तो इस मैच का पहला मेडन ओवर राजकुमार ने डाला जिसमें दो महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है। मांगीलाल जी सारसवा इंदपाल सर, मांगीलाल जी सारसवा इंदपाल सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो कॉमेंट्री बॉक्स के पास बने मंच पे आए और अगले मैच के लिए दोनों टीमों का टॉस करवाए। आज के टॉस के बॉस मांगीलाल जी नवरतंती इंदपाल सर। इस बीच अगली गेंद तो खेला है पॉइंट की दिशा में, अभिमन आए हैं गेंदबाज। अपना अकाउंट ओपन किया यहां पे किरण शक्ति फैस ने। अभिमन्यु एक बार फिर से तैयार है, सामना करेंगे राम प्रसाद रामानंद। अच्छी गेंद, अपील और आउट, तीसरी सफलता मिलती हुई। तो मजबूत इरादों के साथ उतरी है बटुक भैरव, निश्चित रूप से उनकी कोशिश रहेगी कि बोनस पॉइंट के साथ ये मैच जीता जाए ताकि आगे का सफर जारी रख सके। क्वार्टर फाइनल का अगर बोनस पॉइंट से जीतती है तो निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला होना है वो जगदम्बा और गुरावा वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। जो दोनों टीमें एक एक मैच जीतती है उस मुकाबले में बोनस पॉइंट की कोई अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। और इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी बोनस पॉइंट के साथ तो वो क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। अगर इस मैच में बोनस पॉइंट नहीं मिलता है किसी भी टीम को तो उसके बाद जगदम्बा फाइटर और गुरावा वॉरियर्स के बीच जो मैच होगा उसमें रन रेट का भी असर देखने को मिल सकता है।
क्योंकि जो टीम हारेगी उसकी रन रेट थोड़े मायने रख सकती है अगर इस मैच में कोई भी टीम बोनस पॉइंट नहीं लेती है तो। इस बीच अगली गेंद को खेला है लेग साइड में, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, श्याम जी गेंद के पीछे जा रहे हैं लेकिन शायद रोक लिया है वहां पे एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। निश्चित रूप से यहां पे अपनी टीम के लिए रन बचाए हैं श्याम जी ने, दो रन पूरे किए थे दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा तालमेल देखने को मिला दोनों ही फील्डरों के बीच, श्याम जी और भरत के बीच, एक ने गेंद को रोका दूसरे ने उठा के थ्रो किया और एक बार फिर से निकाल दिया है लेग साइड, फील्डर वहां पे मौजूद है राजकुमार, अच्छी फील्डिंग सुंदर थ्रो, एक ही रन मिल पाएगा। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन। तीन विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज प्रभु महेश, ओवर की समाप्ति हो चुकी है अभिमन्यु के और रामानंद आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। तीन बल्लेबाज, ओवर पूरा हो चुका है, अगले मुकाबले के लिए योगी इलेवन ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। राजकुमार जिन्होंने पिछला ओवर मेटिन डाला था, एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना कर रहे हैं वासुदेव और हरिओम सारस्वत। एक बार फिर से राजकुमार अगली गेंद लेकर और इस बार निकाला है लेग साइड में, फील्डर वहां भी अभिमन्यु मौजूद है, अच्छे फील्डर है अभिमन्यु जो नापासर से विलोम करते हैं, अच्छी फील्डिंग सुंदर थ्रो, एक ही रन बना पाए दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर से तैयार है हरिओम, अच्छी गेंद और उतना ही सुंदर ड्राइव। तो इस ओवर में एक बाउंड्री देखने को मिली पशुपति इलेमिनेट चौका से पिछली गेंद पे, हरिओम के बैट से देखने को मिला था और जो भी मेहमान दर्शक यहां पे पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी बंधु यहां आए हैं उन्होंने अगर सरस प्रसादी नहीं ली है तो सरस प्रसादी का विशेष व्यवस्था की गई है आपके लिए, सरस प्रसादी जरूर ग्रहण करें। इस बीच एक और सफलता पटुक भैरव को मिलती हुई, किरण शक्ति फैशन टीम का एक और बल्लेबाज वासुदेव आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, एक और कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। इन विकेटों के स्पॉन्सर है दुर्गा राम जी ठाकरानी खारिया। छगनलाल गुरावा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए छगनलाल गुरावा। राजकुमार एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, एक बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर नीचे है राहुल और एक और कैच। तो अब मजबूत स्थिति में बटुक भैरव इलेवन,
अगर बटुक बैरो इस मैच में बोनस पॉइंट प्राप्त कर लेती है तो निश्चित रूप से क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उसके बाद बी ग्रुप का एक और मैच होना है, उसमें गुरावा वॉरियर्स और जगदम्बा फाइटर है जो दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी है, और अगर अगला मैच कोई टीम वो मैच हार जाती है तो सीधे हारते ही बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। हरिओम अब स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक पर है गोविंद, गेंदबाजी के लिए है अभिमन्यु, स्कोर इस समय है 11 रन 5 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद, काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है इस समय बटुक भैरव 11। एक बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर वहां पे है, राहुल इस बार कैच ड्रॉप हुआ, गोविंद रन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, एक और विकेट का पतन। ये विकेट दुर्गाराम जी के खाते में नहीं जाएगा क्योंकि रन आउट हुआ है, जो विकेट गेंदबाज के खाते में जाता है वही दुर्गाराम जी के खाते में जाएगा। संपत जी थ्रो करो प्रदीप सारस्वत ने थ्रो किया था, अच्छी फील्डिंग प्रदीप की, राम किशन जी तावणिया जो कमेंट्री बॉक्स से बैट लेके गए थे उनसे मेरा निवेदन है कि वो बैट आप वापस कमेंट्री बॉक्स में सुपर्द कर दे। लीलाधर जी और कोई भी कार्यकर्ता अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं थोड़े कमेंट्री व्यवस्था संभाले, क्योंकि यहाँ पे मेरे सपोर्टिंग में कोई भी मेंबर यहाँ पे है नहीं, काफी दर्शक कमेंट्री बॉक्स के इर्द गिर्द। अभिमन्यु का ओवर चल रहा है, स्कोर इस समय है 16 रन 6 विकेट के नुकसान पे, अभी भी काफी पीछे है लक्ष्य से किरण शक्ति फैशन। इस बीच अगली गेंद फिर से डॉट गेंद, विकेट की प्रक्रियातों में कोई रन नहीं, इसी के साथ ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 16 रन 6 विकेट के नुकसान पे, बची हुई 36 गेंदों पे 78 रन ओवर बनाने हैं 36 गेंदों पे, जो एक बड़ा लक्ष्य है क्योंकि पोजीशन अभी काफी डाउन है किरण शक्ति फैशन की, बल्लेबाजी में कोई ज्यादा गहराई है नहीं, टेल एंडर अब आने शुरू हो गए हैं। सुनील के रूप में यह सातवां विकेट गिरता हुआ किरण शक्ति फैशन का, बहुत ही खराब लचर बैटिंग किरण शक्ति फैशन की, किरण शक्ति 11।
बार अच्छी गेंद राधे द्वारा, राधे जरूर आज बल्लेबाजी में फ्लॉप हुए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक इस बार कवर ड्राइव लगाया है, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इसे एक रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जो भी टीम यहां पे बोनस से जीतेगी। इस बार अच्छा स्ट्रोक, फील्डर के पहुंचे दूर, गेंद से मारेगा के बाहर, 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका हरिओम के बल्ले से। स्कोर है इस समय 21 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, एक रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 7, बहुमल्य विकेट गवा चुकी है यहां पर किरण शक्ति 11। और श्री बट्टक भैरव अगर बोनस से जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए। और जगदम्बा ओवर समाप्त हुआ, जगदम्बा फाइटर और गुरावा वॉरियर्स के समीकरण बिगाड़ सकती है यहां पर श्री बटक भैरव, बटुक भैरव जबरदस्त गेंदबाजी की है, 81 रन से पहले रोकना है अगर बोनस प्राप्त करना है तो, और बोनस से जीते ही क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए बी ग्रुप से। प्रशांत सामना करेंगे हरिओम। अच्छे गेंद, गेंद हवा में और फील्डर के पहुंच से दूर, एक रन चुराकर पूरा किया। स्कोर है 23 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही लचर बल्लेबाजी किरण शक्ति 11 द्वारा, ऐसी उम्मीद दर्शकों को नहीं थी। इस बार अच्छा स्ट्रोक हो, एक और रन पूरा कर लेंगे। स्कोर जा पहुंचा 24 रन। अगले गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद, ये वाइड बॉल थी। सामना कर रहे हैं हरिओम, काफी देर से पिच पर डटे हुए हैं। एक और वाइड, लगातार वाइड गेंदे। हरिओम अगले गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद और सुंदर स्ट्रोक, उस और फील्डर है, काफी अच्छी फील्डिंग की है वहां पर। किरण शक्ति 11 युवा खिलाड़ियों से भरी हुई है, यह उनका पहला साल है और निश्चित रूप से आने वाले सारस्वत प्रीमियर लीग के 10वें संस्करण में एक अच्छी टीम बनकर उभरेगी किरण शक्ति 11। जरूर आज उनकी बल्लेबाजी फ्लॉप हुई है, बार अच्छी गेंद, गेंद लेग स्टंप से बाहर और प्रशांत दिशा से भटके हैं यहां पर, काफी वाइड उन्होंने डाली है। एक और वाइड गेंद, तो दो एक्स्ट्रा के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 29, लॉस ऑफ 7 विकेट। एक और खराब गेंद, लेकिन फील्डिंग बहुत ही शानदार। अब एक रन के सारे स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खराब लचर बैटिंग आज किरण शक्ति 11 की। स्टार बल्लेबाज गोविंद तो एक भी गेंद नहीं खेल पाए,
और रन आउट होकर पेवेलियन लौटे। फील्डिंग भी बहुत खराब की उन्होंने। 30 पर 7, 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इसमें 30 रन। जो भी टीम यहां से बोनस से जीतेगी वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए। बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में है, दो फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, राजे ने कैच ड्रॉप कर दिया है। राहुल को ये कमल कट पीस विकेट मिल सकता था लेकिन है। इस बार अच्छे गेंद, गेंद हवा में है एक बार फिर, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। बटुक बैरों बोनस के करीब है इस समय और जो भी टीम यहां से बोनस से जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। योगी 11 और भैरव क्लब मोकर सर अगले मैच के लिए तैयार रहे, टॉस के लिए दोनों कप्तान योगी 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस बार अच्छी गेंद राहुल की, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। अगली गेंद लेकर राहुल, जो भी टीम यहां से बोनस से जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए। इस बार अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, हल्की सी अपील हुई है वहां पर, एम्पायर दोनों एम्पायर ने अपने सलामी सुरा करा और नॉट आउट। अच्छी अपील थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। सारस्वत प्रीमियर लीग 9वां संस्करण आज दूसरा दिन, इसके बाद मैच खेला जाएगा योगी 11 और भैरव क्लब मोकलसर के मध्य। टॉस जीता है योगी 11 ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। योगी 11 अपना पिछला मैच जीत कर आई है, भैरव क्लब मोकलसर दादोज के खिलाफ अपना मैच हार कर आई है। देखना होगा कौन सी टीम, 7 ओवर के बाद स्कोर है 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर और टीम के कप्तान संपत जी काफी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम बोनस के काफी करीब है इस समय। बॉलर नेम राजकुमार धन्यवाद, काफी अच्छी गेंदबाजी आज भैरों बटुक भैरों की, जितनी तारीफ की जाए उतने कम। इस बार अच्छा स्ट्रोक, उस और फील्डर मौजूद है और कैच ड्रॉप कर दिया है गेंद से मारेगा के बाहर। दर्शक वहां से दर्शकों का इशारा 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। हरिओम ने आज अच्छे शॉट लगाए हैं, फील्डिंग उनकी काफी लचर थी लेकिन साथी बल्लेबाजों ने किसी ने सहयोग नहीं किया, उसकी वजह से काफी संकट में है यह टीम और इस टूर्नामेंट से विदाई भी हो सकती है। इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हरिओम। राजकुमार अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय, राजकुमार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय हरिओम। एक और अच्छी गेंद, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर की, और इस बार मौका है रन आउट का, हरिओम काफी दूर रह गए। 8वें विकेट का पतन होता हुआ, किरण शक्ति 11 पर संकट के बादल मंडराते हुए इस समय। स्कोर है इस समय 33 रन 30 रन 8 विकेट के नुकसान पर, 37-37। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राजकुमार के द्वारा। अभिमन्यु ज्यादा टेंशन नहीं ले, आप बोनस के काफी करीब हो, इस समय क्वालिफाई कर जाओगे।
मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज सुबह एक करारी हार मिली उनको, लेकिन अच्छी वापसी संपत्ति का करारा जवाब इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई। एक रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। तो 38 रन बने हैं अब तक, 8 विकेट गवा चुकी है। 8वां ओवर प्रगति पर, बोनस लेते क्वालिफाई कर जाएंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। अगले गेंद लेकर राजकुमार, इस बार अच्छी गेंद डॉट बॉल, 8 ओवर 38 रन 8 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 12 गेंदे इस पारी में शेष, और अब अगर बोनस बचाना है किरण शक्ति ले उनको 12 बॉलों में 43 रन और बनाने हैं, तो ऐसा अब तक की बल्लेबाजी देखकर लगता नहीं है। इस बार अच्छे गेंद गेंद हवा में और विकेट एक और, 9वां विकेट का पतन होता हुआ। गजानंद भैरव क्लब मोकल सर के कप्तान, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आपका इंतजार हो रहा है। भैरव क्लब मोकल सर के कप्तान प्रदीप ने यह कैच लपका है। ये अंतिम जोड़ी बीच मैदान में गज्जू आए हैं। अब अगले गेंद लेकर रहा, इस बार अच्छी गेंद और उस ओर फील्डर है संपत्ति, अच्छा प्रयास उनका, पूरा शरीर झोंक दिया। जानते हैं कि पंच पॉइंट की क्या अहमियत होती है, और ये बोनस उनके लिए जीवनदायिनी साबित होगा। वो क्वालिफाई कर देंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। गेंद से मारेगा के बाहर, पशुपति लेमिनेट चौका। भैरव क्लब मोकल सर के कप्तान, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। भैरव क्लब मोकल सर के कप्तान बोनस ले लिया। आठ पॉइंट पांच के बाद 45 पर 9, संपत्ति की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और हो सकता है ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट। कैच लपक लिया और बोनस पॉइंट के साथ जीत दर्ज कर लिया यहाँ पर पटुक भैरव ने, और क्वालिफाई कर लिया है। फायर किया है अगले राउंड के लिए। इस जीत की खुशी में टीम के स्पॉन्सर तोलाराम जी तावनिया ने पूरी टीम को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है, और अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार है। भैरव क्लब मोकल सर और योगी इलेवन के कप्तान से मेरा निवेदन है कि अपने सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में भेज दे। और अब कुछ मेहमान हमारे बीच पधारे हुए हैं, उन मेहमानों का थोड़ा स्वागत किया जाएगा। इसके लिए मैं विनोद सारस्वत थापर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी लिस्ट तैयार रखे और मेहमानों को मंच पे बुलाएं।